सब अपने अपने काम के लिए निकल गए देखो, और धूप भी निकल गई पर इतनी तेज नहीं निकली जो निकलनी चाहिए। अब निकलेगी धीरे धीरे, 8:30 हो गई है तब भी अभी तक धूप नहीं निकली है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर व्लॉग। अपन रेडी हो गए जिम के लिए, तो जिम जा रहे हैं, जाते जिम और अच्छे से वर्कआउट करके आते हैं और फिर अपना दूसरा काम करते हैं ना, फिर पूरे दिन फ्री रहेंगे, फिर अपना दूसरा काम पूरा करते हैं। मैं सोचा आज उठते ही चलो व्लॉगिंग कर लेते हैं, मैं कहा आने के बाद का ऐसे तो फिर आने के बाद व्लॉगिंग करता हूँ, चलो आज उठते ही कर लेते हैं, यूँ है तो चलो चलते हैं और फिर जाके मिलते हैं आपसे जिम में, है ना। और जिम में तो वैसे नहीं मिल पाएंगे, जिम में इतनी भीड़ होती है, मैं कैमरा इसलिए नहीं ले जाता हूँ, है ना, कोई कभी अचानक से आ जाए, अब रखने का नहीं है, इन सब दिक्कत है, वहाँ पर लॉकर वोकर की सुविधा नहीं है इसलिए, है ना। तो चलो जिम में तो नहीं ले जाएंगे कैमरा, बट कभी कोशिश करेंगे, ज़रूर जाएंगे, पूरा जिम का व्लॉग बनाएंगे और पूरा एक्सरसाइज का व्लॉग बनाएंगे। वो बात भी की है मैंने कुशल भाई से, तो कह रहे थे किसी दिन बना लेंगे अच्छे से, तो देखेंगे जो भी होगा, है ना। तो मिलते हैं, चलो आपको एक बार एक्सरसाइज करके आते फिर, है ना, चलो बाय। तो चलो बाहर ले जाते हैं आपको, गेट वेट खोल दिया था मैंने, चलो बाहर भी दिखा देते, देखो मौसम कैसा हो रहा, मतलब धूप तो निकल रही बट जैसे निकलनी चाहिए ऐसे नहीं निकल रही है ना। तो चलो यहाँ रखते कैमरा, इधर करते सेट और आप देखते रहो हम क्या क्या करते हैं ना। तो जिम जा रहे हैं, तो एक्सरसाइज हो गई, ऑयल लेके आए हैं, और आज अपन बनाना शेक बनाएंगे पानी में, है ना, क्योंकि दूध भूल गए अपन, है ना। तो वाटर विद बनाना विद प्रोटीन, ओके, एंड ओट्स। तो चलो बनाते फिर, है ना, मिलते, अब थक गए हैं, हालत से लग रहा होगा। तो चलो जाते बिस्किट दे देते इसको, देखो कैसे कर रहा, क्या हो गया, किधर गया, ले इधर आ, इधर आ, इधर आ, देखो मैं बिस्किट खिलाता हूँ, गेट नहीं खोलूँगा, ले बिस्किट खा, खा ले ये बिस्किट, ना भी अभी खा ले, खा ले, और क्या चाहिए अब देखो, पैकेट की आवाज़ सुननी है सिर्फ, बिस्किट बिस्किट दे दें इसको, अब खा नहीं रहे, अब क्या कर सकते अपन, है ना। तो चलो अब अपना काम करते हैं अपन, जिम विम जाके आ गए, एक्सरसाइज हो गई पूरी, और पैकेट को रखते हैं कचरे में, मैंने क्या कचरा यहाँ एक साथ इकट्ठा करता हूँ फिर सीधा डस्टबिन में डालता हूँ, यूँ करता हूँ, है ना। तो जिम से आते सबसे फर्स्ट अपना काम रहता है, गेट इसलिए बंद कर दिया सामने से क्या हो पूरा आता ना उजाला आता तो दिखता नहीं है मेरे फिटिंग से, उजाला उजाला दिखता। तो जिम से आदि अपना सबसे पहला काम रहता है अपनी डाइट बनाना, है ना। तो वही फर्स्ट मेरा फिक्स आदत है, आके मैं पीता ही हूँ, मेरे बनाना से पीता ही हूँ, तो ओट्स डाल दिया हमने, जो भी सब डालते हैं और बनाते हैं और आपसे बातें करते हुए बनाते हैं। और बिल्कुल डाइट की वीडियो भी चाहिए आपको तो ज़रूर कमेंट करें, तो आपकी डाइट की वीडियो भी हम बना के देंगे। और अभी कुछ टाइम, अब सोच रहे हैं हफ्ते में दो बार, एक या दो बार एक अपने जिम की एक्सरसाइज भी कराएं करेंगे, है ना।
जिम की एक्सरसाइज भी आपको बताएंगे, जिसकी प्लेलिस्ट अलग बना लेंगे अपन, है ना, उसकी प्लेलिस्ट भी अपन अलग बना लेंगे। तो बस ये सब धीरे धीरे करेंगे, बस मेहनत चल रही है, बस आप लोग सपोर्ट करें, साथ साथ में थोड़ी थोड़ा सपोर्ट करें तो मज़ा ही कुछ अलग होगा, है ना। अपना सब मिक्स चलेगा, मतलब यूँ चैनल अलग अलग बनाने का यूँ नहीं, अपना सब मिक्स चलेगा, तो मिक्स ही चलाएंगे। तो चलो, तो बस बना है, तो आज देखते हैं, हर बार तो अपन दूध भी पीते हैं, आज पानी में पी के देखते हैं, है ना, कैसा लगता है। अच्छा है। तो आज हमारे बन रहे आलू पराठे, है ना, तो आलू पराठे बना रहे अच्छे से, और अपन क्या रखते हैं इसको, यहाँ रखते हैं ना, यहाँ रखते हैं, और ब्लॉग बनाते हुए आलू पराठे बनाएंगे। कैसे बन रहे हैं वो आप भी देखते रहो साथ साथ में, ना यहाँ पे इधर तवा है ना, ये इसमें मसाला है, और ये रहा अपना पराठा, कच्चा पराठा भी, तो इसको बनाएंगे। क्या करें, मैंने सोचा चलो अपने कहा आपसे बातें करते करते बना लेते, और क्या है ना, तो थोड़ा सा मसाला ज़्यादा हो गया है फर्स्ट पराठे में, कोई बात नहीं, जो बाहर निकल के आ रहा है ना, बाहर निकल के आ रहा है, तो चलो इसको बनाते हैं पूरा कंप्लीट। ठीक है, और चलो इसको ही आप टाइम लेफ्ट में देखो, है ना, मजा आएगा। तो बस अपने बन गए आलू पराठे, है ना, आलू पराठे बन गए। तो अब अपन एक काम करते हैं, अब नहा लेते हैं ना, नहा के फिर मिलते हैं आपसे, है ना, नहा के मिलते हैं और फटाफट फिर खाते, फिर रेस्ट करते हैं। आज थोड़ी सी तबीयत वापस, ये बादल हो रहे तो ख़राब लग रही है, और क्या पता क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, हल्का हल्का बुखार रह ही रहा है, कल से ही हो गया था, आज वापस वो हो गया, तो टेबलेट भी ले लेंगे अपन एक बार, है ना, तो चलो फिर मिलते हैं। तो अब अपन नहा लिए, तो नहा के कंप्लीट हो गए, तो खा लेते खाना, अब लग रही धमाकेदार भूख, है ना, भूख लग रही खतरनाक, कंट्रोल नहीं ऐसी भूख लग रही, तो खाते 5-10 मिनट में ना खा लेते फटाफट, धीरे धीरे खाएंगे आराम से, टेस्ट लेते 5-10 मिनट में क्या होता है ना, आराम से कुछ लोग लोग देखेंगे किसी का, और फिर खाते हैं ना। जब सोया था ना मैं, तब कह रहा था मौसम ख़राब है, तब बता था मौसम कैसा ख़राब है, ठीक है, भी सो के उठाऊँ तो क्या बज रहा है बाहर, तो चलो चलते आपको बता देता हूँ किसी क्या चल रहा है ऊपर, छत पे चलते, क्या बज रहा है, नल आ गए दिन में कौन सा नल आते, और मौसम हो गया है बारिश का, देख सकते हो बादल, है ना, और ये नल बाल बंद कर देता हूँ, नल स्टार्ट हो गए, आज दिन में आ गए दिखे नल, शायद डबल बार आ गए, कल तो आए थे नल, है ना, कोई बात नहीं, और यहाँ से पानी गिरने लगे, मैं सोचूं क्या बच रहा है ना, और पूरा मौसम देखो धुंध धुंध सी हो रही है ना, ओ भैसा, देखो बता दो मैं आपको, बेमौसम बारिश हो गई, ये देखो अभी तेज वाली बेमौसम बारिश हो गई, और बहुत शानदार सी मिट्टी खुशबू आ रही है, बट ये बारिश भैया, ये बारिश दिक्कत करेगी, है ना, ये बारिश दिक्कत करेगी, और बिल्कुल फुल बादल है ऊपर, और बारिश भी ऐसी आ रही है, घंटा भर रुक जाए ऐसी बात, ये नहीं रुकेगी, घंटा भर रहेगी ना, भर देगी सब यहाँ पर, इतनी तेज वाली बारिश है, ये आपको देख नहीं रही होगी, ये देखिए आप, है ना, बहुत भयंकर की बारिश उदयपुर में, बारिश बेमौसम बारिश उदयपुर में,
देखो मैं, बेमौसम बारिश हो गई, पता करते हैं कहाँ कहाँ पे बारिश हुई है, बेमौसम बारिश कहाँ कहाँ हो रही है पता करते हैं एक बार, है ना। तो आज बारिश आ गई ना अचानक से, तो अंधेरा भी एकदम हो गया है। अंधेरा मतलब देखो नॉर्मल सा हल्का हल्का उजाला दिख रहा, बाकी अंधेरा हो गया है और बाहर बिल्कुल ठंडा ठंडा सा हो गया, इसलिए मैंने सोचा स्वेटर पहन लेते हैं। स्वेटर वेटर पहन के पैक हो जाते हैं, नहीं तो बड़ी मुश्किल से तबीयत हल्की हल्की ठीक हुई है तो पूरी बिगड़ जाएगी, है ना। जो हल्की हल्की वही पूरी हो जाएगी। तो एक दो कॉल करने हैं यार, एक दो कॉल कर लेते हैं और उसके बाद तो फिर आपसे फिर से मिलेंगे कुछ करते हुए। और यार सिर्फ अभी एक दो दिन के नॉर्मल ब्लॉग है, कहीं मोटो ब्लॉग भी नहीं कर रहा हूँ, कहीं जान नहीं रहा हूँ, कुछ भी नहीं, थोड़ी सी तबीयत डाउन डाउन है इसलिए, है ना। तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, 500 की फैमिली हो गई है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो 500 सब्सक्राइबर हो गए, 500 और चाहिए। तो बस ऐसे ही जो जो भी देख रहा है लाइक करो यार वीडियो को, है ना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, सब्सक्राइब करो, ठीक है, चलो बाय। तो आप सोच रहे होंगे हम अचानक से कहाँ निकल गए, तो मैं सौरभ भाई आ गए, तो बस निकले अभी, हम कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सेक्टर साइड जा रहे हैं, बाईपास मतलब, सेक्टर तो क्या है, और अभी हैं हाईवे पे मेलड़ी माता, बुढ़िया का आगे जाके ससुराल, अच्छा हाई स्पीड पे है अशोक भाई।